तो जय हिंद सांग मैंने। तो आज हम देखिया कि उत्कल यूनिवर्सिटी फॉर्म केमती आवेदन कराए ऑनलाइन केमती एडमिशन कराए तो तले जो लिखा है उत्कल यूनिवर्सिटी न्यूज तो ये आपड़ तार एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ी पारती व्यू ओल करके आप सब डिटेल गुड़ा जापारती आप तौर स्क्रोल करूँ आउ किसी ना तो ये आप सैड स्क्रोल करूँ रिजल्ट लाइब्रेरी ये अच्छी इडमिशन तापर आप क्लिक करूँ तार के समय लड़ी नब तापर पपअप टी आप क्लोज कर दिंतु देन न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन मेक पेमेंट पेमेंट स्टेटस तो ये आप न्यू रजिस्ट्रेशन जेहतु आप नुआ कर तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे या तले आप देखिपारती करेंट ओपनिंग एडमिशन शेड्यूल सेल्फ फाइनेंस कोर्स तो ये आप पी डी एफ गुड़ाक डाउनलोड कर देखिपारती डिपार्टमेंट नेम तापर ओपनिंग डेट के क्लोजिंग के सब डेट आप अच्छी तो ये आप देखिपारती सोशियोलॉजी इकोनॉमिक कॉमर्स तो ये आप अनुसार आप जहाँ करने इच्छुक तो एमबीए संस्कृत सब आप डिटेल ये अच्छी तो ये आप लास्ट डेट मेंशन होती देन आम एपर को जी देन आम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कराया डिपार्टमेंट नेम कोर्स ये सब शो कर तौक स्क्रोल करूँ तो ये आसी फास्ट आप न्यू यूजर रजिस्टर तो ये डिपार्टमेंट जगह आप डिपार्टमेंट आप चूज कर दिंतु आम कमर्स चूज करदेलु तार ये आप कौन प्रोग्राम लिखे एम बी ए चूज कर दिली तार नेम ऑफ द कैंडिडेट आप ना आप टाइपिंग कर दिंतु तापर आप ये आप सेकेंड आप मोबाइल नंबर टी आप दे दिंतु देन तापर आप इजी टी योर व्हाट्सएप नंबर तो ये आप व्हाट्सएप नंबर जो एटी हो तो यूज करेंगे ना न करना आप भर ने आप मेल आई डी दिखता आप डीओ भी आप चूज करदे तार आप पासवर्ड देवे तापर आप गोटे पासवर्ड सेम पासवर्ड टी आपदे आप कैप्चा टी भरिक रजिस्टर पर क्लिक करदे तापर आप लॉगिन पेज एम किसी खोल तो कन्फर्म ओटीपी कोड टी जो लिखाई है ओटीपी कोड टी आप दिंतु तापर आप कन्फर्म उपर क्लिक करूँ तापर इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट तो ठीक आप फास्ट आप पढ़ी तापर आप पेमेंट टी आप करेंगे क्लिक हियर टू ऑनलाइन पेमेंट उपर आप क्लिक करूँ तापर पेज टी आप डायरेक्ट एस बी आई पे को आप ट्रांसफर कर तो ये आप डेबिट कार्ड रे जो आप पेमेंट करने चाहते आप कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट ये सब जिन आप देखिए आप पेमेंट करेंगे नचे आप यूपीए देखिए आप क्यू आर कोड जो लिखा है तापर क्लिक करके आप पेन उपर क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे तापर आप पेमेंट टी हो सर देन आप आसा आप्लिकेंट फर्म तापर एटी कौन करेंगे ना आप पर्सनल इनफर्मेशन फास्ट आप मदर नेम देवा पड़ो माँ का ना देवा पड़ो तो आप माँ का ना आप टाइपिंग कर दिंतु देन फादर्स नेम तो ये आप फादर्स नेम जगह आप बापा ना आप टाइपिंग कर दिंतु तापर आप गार्डियन नेम आप आउ कार ना दे पारती नचे आपको ब्लांक छाल चलो तापर आप मैरिड की अनमेरिड आप चूज करूँ तापर आप जेंडर टी आप चूज करूँ ठी रिलीजन आप चूज करूँ तापर आप नेशनालिटी तापर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तापर आप रिजर्वेशन कैटेगरी तो ये आपर जहाँ थी आप देते ये मुझे ओबीसी दूँ तापर डिफरेंट वाइज एबिलिटी जो अच्छी तो यूज करूँ ना न करूँ तार पेरेंट इनकम तो आप वर्ष को कितनी इनकम हो तो ये आपारती तापर आसा आप जॉब डिटेल तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आप जगह जो लिखाई से ना लिखिपारती केते वर्ष एक्सपीरियंस लिखिपर फर्म डेट रू के डेट रू आप के डेट पर्यटन काम कले तो फर्म डेट टी आप पकड़ दिंतु देन आप जाए काम कले टू डेट आप करूँ तर एड्रेस फर करेस्पंडेंस तो आप स्टेट आप चूज कर दिंतु तापर आप डिस्ट्रिक्ट चूज करूँ तापर आप पिनकोड दिंतु
ତା'ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡାନ୍ସ ସେମ୍ ଅଛି ତ ଟିକ୍ ବସ୍ ଟିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଭେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ବା ଏମ୍ ବି ଏ ଏଫ୍ ଏମ୍ ତ ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଆପଣ ସୋ କରିବ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତା'ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତ ତା'ପରେ ବୋର୍ଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟେନ୍ଥରେ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ତ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟର୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷଟି। ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣ ଡିଭିଜନ୍, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ର ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁରେଟ୍ କେତେ କରିଛନ୍ତି ବା ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ସେଠି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିଯିବ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଅଫର୍ଡ, ତ ଏଠି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁତିକ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବୁତିକ ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହିଁ କରିବେ। ଦେନ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟି କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲୁଛି ଲେଖାଯାଏ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟିଂ, ତ ଏଠି ଇଏସ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ସେଣ୍ଟର୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସୋ କରିବ, ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଆପଣ PDF କରିକି ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ।